सचदेव न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई। टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने व विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने पूर्व छात्र डॉक्टर क्षिति शुक्ला विशेष रूप से शामिल हुए। अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेव न्यू पीटी कॉलेज लगातार बेहतर शिक्षा अध्ययन करा विद्यार्थियों का भविष्य संवार रहा है। सचदेव न्यू पीटी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय समय पर टेस्ट श्रृंखला भी आत्म आकलन के लिए की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में आसानी हो सके। इस सप्ताह टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने व उनका उत्साहवर्धन करने संस्थान के ही पूर्व छात्र व आज अपनी सेवाएं चिकित्सा के क्षेत्र में दे रहे डॉक्टर क्षितिज शुक्ला विशेष रूप से शामिल हुए। विद्यार्थियों से मिलकर उन्होंने विद्यार्थियों के डाउट्स क्लियर किए, साथ ही अपने संस्थान में जहां पूर्व छात्र रहे हैं वहां मुख्य अतिथि बनना एक बेहतर खुशी का पल बताया, साथ ही अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम डॉक्टर क्षितिज शुक्ला है। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर से कंप्लीट की है। मैं सचदेवा में 2015 बैच में मैंने एडमिशन लिया था। 11th और 12th में यहीं पे मैंने कोचिंग की थी और 2017 में मैंने जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था नीट के लिए। हर एक छात्र के लिए बहुत गर्व की बात होगी, बहुत प्रसन्नता की बात होगी कि जहाँ उसने 2 से 2.5 साल पढ़ाई की है वहाँ पे उसे निमंत्रण देकर बुलाया जाए। वैसे मेरे लिए भी है, बहुत खुश हूँ। और ये सब चिरंजीवी जैन सर का ही प्यार है और वो एक अनुकंपा है जो अपने छात्रों के प्रति रखते हैं कि इतने सालों के बाद में उन्होंने मुझे याद किया और यहाँ बुलाया। तो वो समय मैं अनुभव कर सकता हूँ जब मैं उनके जैसा था, जब वो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता था और पढ़ाई करने रहती थी, तो उनसे एक कनेक्शन जैसा मैं महसूस कर सकता हूँ। तो वही जो मैं मतलब जो मैंने किया था वहाँ पे और जो गलतियाँ की थी जो वो ना करे, वही सब उनसे साझा किया और बहुत अच्छा लगा मुझे किसी की मदद करना ऐसे समय में जिस समय आप भी उस स्टेज में थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। बात सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा कि दुरुपयोग भी है और उपयोग भी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका सही में कोई एम होगा, कुछ अचीव करना चाहेगा, वो उपयोग के तरफ ही ज़्यादा ध्यान देगा, दुरुपयोग के तरफ तो जाएगा ही नहीं। तो ये अब एक व्यक्ति के अपने कंट्रोलिंग एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको सही में कुछ अचीव करना है वो उसके अच्छे एस्पेक्ट पे ही जाएगा और ये एक व्यक्ति खुद ही कर सकता है अपने अंदर के मोटिवेशन से ही। ऐसा एक कुछ हो तो मैं आपको बताऊँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें यहाँ की, पर एक जो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं यहाँ पे कोचिंग करने के लिए आता था तो हमारे जो घर के पास में जो रोड थी उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जिसके कारण मुझे बहुत लंबा रास्ता घूम कर आना पड़ता था। तो उस समय सर ने एक बार मुझसे पूछा था कि ऐसे लेट क्यों हो जा रहा है या समय पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो मैंने बताया था। तो वो लगभग छः साल हो चुके हैं उस प्रकरण को, और आज जब मैं यहाँ पे आया तो सर को वो चीज़ याद थी, तो मुझे वो बहुत मतलब एक प्रकार का अचंभा भी लगा कि इतने सालों बाद यहाँ से कितने छात्र पढ़े होंगे तब भी उनको वो चीज़ याद है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपने छात्रों के कितनी देखभाल या ध्यान रखता है सचदेव। संस्थान की डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रतिक्रिया दी। आज हमारा चौथे टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें डॉक्टर क्षितिज शुक्ला जो 2017 बैच के हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनको मुख्य अतिथि के रूप में हमने बुलाया है। डॉक्टर क्षितिज शुक्ला ने बिना ड्रॉप लिए 12th में रहते रहते ही इन्होंने सिलेक्शन लिया, और उस वर्ष इंदू IT स्कूल से ये तीन बच्चे थे, तीनों आज मेडिकल में एक साथ तीनों ने पढ़ाई की, और क्षितिज ने यहाँ से 11th में ही एडमिशन लिया, 11th का कोर्स किया, 12th किया, और आज एक महीने पहले इन्होंने अपना MBBS का कोर्स पूरा किया है हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में। बहुत अच्छा लगता है जब एक सफल छात्र अपनी यात्रा के विषय में अपने दूसरे जूनियर्स को बताता है। देखिए, 1 नवंबर 2023 में हम लोगों ने 30 वर्ष पूरे किए हैं, जस्ट अभी 3 दिन पहले की बात है। 1 नवंबर 1993 की ये शुरुआत है, और टेस्ट श्रृंखला हम लोगों ने 1999 से बृहद रूप में शुरू की, जो कि वर्तमान में भी चल रही है। और टेस्ट श्रृंखला का एकमात्र फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को अपने को खुद को एसेस करने का एक मौका मिलता है। पहला तो खुद को एसेस करने के लिए उनको कितना आता है, क्या आता है, फिर उसको ग्रुप में अपना असेसमेंट लगता है कि वो कहाँ पर हैं अभी।
तो उस एक टेस्ट श्रृंखला से अपने को आंकने में बच्चे को बहुत लाभ मिलता है और निश्चित रूप से सफल होने में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। इस टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों ने भी प्रतिक्रिया दी। उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब पता चला कि वो भी यहाँ से ही पढ़ के निकले हैं तो बहुत एक मोटिवेशन से फील हुई कि आगे चल के हम भी इस तरह से अच्छा कर सकते हैं, कि हमें भी आगे आके चीफ गेस्ट बनने का मौका मिले, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी और टेस्ट सीरीज़ में अच्छा करके बहुत अच्छा लगा। मैं शिवापुरी गोस्वामी अभी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में AD1 बैच से हूँ। अभी टेस्ट सीरीज़ में टॉप करके एक बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील कर रहा हूँ कि अभी इतने बड़े टेस्ट सीरीज़ में कंपटीशन में अगर टॉप हो रहा हूँ तो। और जो चीफ गेस्ट थे हमारे, उन्होंने आज हमें बहुत मोटिवेट करा, उन्होंने हमें बताया कि हमारा शेड्यूल कैसा रहना चाहिए, किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, रिवीजन की क्या टेक्निक्स होती है और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग अक्सर गलती करते हैं उसे हमें उसको बारे में गाइड करें। मेरा नाम नीलम वर्मा है, मैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में CH1 बैच से हूँ, नीट की तैयारी कर रही हूँ यहाँ से। और जो आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया कि अब मतलब हम लोग एग्ज़ाम में कैसे प्रिपरेशन करें, टेस्ट सीरीज़ को कैसे ज्वाइन करें और अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे रखें, अपने डाउट्स कैसे क्लियर करें, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। टेस्ट सीरीज़ है वो किस तरह का तुमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए कारगर साबित होगी? जो यहाँ की टेस्ट सीरीज़ है उसके क्वेश्चन बिल्कुल नीट के पैटर्न में होते हैं, NCERT बेस्ड होते हैं, इसका मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा। प्रदेश की सबसे ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू PT कॉलेज के द्वारा आयोजित टेस्ट श्रृंखला निश्चित ही विद्यार्थियों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।